गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 5 का जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एनिमल्स अराउंड अस, हमारे आसपास जो एनिमल्स होते हैं उनके बारे में, ठीक है। उसमें मैंने आप लोगों को डोमेस्टिक एनिमल का पूरा कंप्लीट करा दिया था, जिसमें मैंने समझाया था जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग साइज़ के, अलग अलग शेप के होते हैं, ठीक है। कुछ एनिमल जो होते हैं वो जंगलों में रहते हैं, ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, जंगली जानवर कहा जाता है, और कुछ जानवर जो होते हैं वो फार्म में या हमारे घर के आसपास रहते हैं, उसे डोमेस्टिक एनिमल कहा जाता है, जो हमारे बहुत सारे तरीक़ों से मदद करते हैं। उसके बाद आता है पेट एनिमल। पेट एनिमल क्या होता है, ये सब मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल तक। अब पढ़ते हैं पेट एनिमल। पेट एनिमल मीन्स होता है बच्चों पालतू जानवर, ठीक है, जिसको हम अपने घर में पालते हैं। एनिमल्स दैट वी कीप इन आवर होम विथ अस आर कॉल्ड पेट एनिमल। जो हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं उसे क्या कहते हैं, पेट एनिमल कहते हैं। लाइक डॉग कैट इत्यादि, वी ट्रीट देम एज आवर फैमिली मेम्बर एंड टेक गुड केयर ऑफ देम, देयर प्रेजेंस मेक अस हैप्पी। हम इसको अपने फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करते हैं और इसका ख्याल रखते हैं, ठीक है, और ये इसकी प्रेजेंस में हम बहुत ही खुश रहते हैं, ठीक है। लैंड एनिमल्स लिव ऑन लैंड। अब देखिए, एक तो होता है लैंड एनिमल और दूसरा होता है वाटर एनिमल। लैंड एनिमल क्या होते हैं, जो कि जमीन पे रहते हैं, ठीक है, और वाटर एनिमल क्या होते हैं, जो कि पानी में रहते हैं, ठीक है। लैंड एनिमल लिव ऑन लैंड। लैंड एनिमल जो है वो जमीन पे रहता है। मोस्ट लैंड एनिमल हैव फोर लेग वॉक, एग्जाम्पल लायन एलिफेंट। जो लैंड एनिमल होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनके कितने पैर होते हैं, चार पैर होते हैं, ठीक है, और जैसे कि लायन हो गया, एलिफेंट हो गया। उसके बाद आता है वाटर एनिमल। वाटर एनिमल्स लीव इन वाटर। वाटर एनिमल्स जो है वो पानी में रहते हैं। दे हैव नो लेग, इनके लेग नहीं होते हैं। दे हैव फिन टू स्विम इन वाटर, इनके फिन होते हैं, ठीक है। देखिए, ये इसे फिन कहा जाता है, जो वाटर में स्विम करने के लिए मददगार होते हैं। सम एनिमल्स लीव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। कुछ एनिमल जो होते हैं वो पानी में भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं, ठीक है, दोनों जगह रहते हैं। जैसे कि मेंढक हो गया, मेंढक ऐसे भी रह सकता है बिना पानी के भी, और पानी में भी रहता है, जैसे कि फ्रॉग, ठीक है। अब आता है इंसेक्ट। इंसेक्ट किसे कहते हैं, तो जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उसे बोला जाता है इंसेक्ट, ठीक है। इंसेक्ट आर टिनी इन साइज। इंसेक्ट जो है वो साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, आपने देखा है मच्छर कितना छोटा होता है, मक्खी, चींटी, ठीक है। दे हैव सिक्स लेग, इनके कितने लेग होते हैं, सिक्स लेग होते हैं, जैसे कि एंट हो गया, टर्माइट हो गया, लिंस हो गया, ठीक है, ये सब। सम ऑफ देम हैव विंग एंड कैन फ्लाई। कुछ इंसेक्ट होते हैं जिनके विंग्स होते हैं, पंख होते हैं उड़ने के लिए, ठीक है, जैसे कि बटरफ्लाई हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, हाउस फ्लाई मक्खी, हनी बी हो गया, मॉस्किटो हो गया, इनके क्या होते हैं, फिन विंग्स होते हैं उड़ने के लिए, ठीक है, विंग्स मतलब पंख। अब आता है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, सरीसृप कहा जाता है रेप्टाइल्स को, जो कि रेंग के चलते हैं, ठीक है, जैसे कि छिपकली हो गई, स्नेक हो गया, ये सब लिजार्ड वगैरह, ये सब जो है वो रेंगते हैं जमीन पे, है ना, तो इन्हें क्या कहा जाता है, इंग्लिश में रेप्टाइल्स कहा जाता है और हिंदी में सरीसृप कहा जाता है। सम एनिमल्स क्रॉल ऑन द ग्राउंड। क्रॉल मतलब वही रेंगना, ठीक है, क्रॉल का मतलब क्या होता है, रेंगना। सम एनिमल्स क्रॉल ऑन द ग्राउंड, दे आर कॉल्ड रेप्टाइल्स। जो एनिमल क्रॉल करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रेप्टाइल्स कहा जाता है, ओके। जैसे कि स्नेक, स्नेक चलता है नहीं, स्नेक क्या करता है, रेंगता है, ठीक है, क्रॉल करता है, छिपकली भी क्रॉल करती है, ठीक है, तो इसलिए इन्हें ही क्या कहा जाता है, रेप्टाइल्स कहा जाता है। अब आता है बर्ड। बर्ड किस में आता है, बर्ड किसे बोलते हैं, पक्षियों को, ठीक है। बर्ड्स आर फ्लाइंग एनिमल। बर्ड्स जो है उसे फ्लाइंग एनिमल भी कहा जाता है। दे हैव टू लेग्स, इनके दो लेग्स होते हैं, वॉक एंड टू विंग्स, दो लेग होते हैं चलने के लिए और दो विंग्स होते हैं उड़ने के लिए, ठीक है, विंग्स पंख। टू फ्लाई, सम बर्ड्स लाइक द डक एंड द स्वान कैन स्विम। और कुछ बर्ड जो होते हैं जैसे कि डक हो गया, उसके
उसके बाद स्वान हो गए, ये सब क्या करते हैं, स्विम करते हैं, यानी कि पानी में तैरते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बतख को, हंस को, ये सब क्या करते हैं, पानी में तैरते हैं। ठीक है, कुछ बर्ड जो होते हैं पानी में भी रहते हैं, कुछ बर्ड होते हैं उड़ते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को यहाँ तक पूरा अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, आप लोग उसको अच्छे से रीडिंग करेंगे। इसमें मैंने इंसेक्ट के बारे में बताया आपको, बर्ड के बारे में, रेप्टाइल्स के बारे में बताया है। ठीक है, और नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को इसका एक्सरसाइज कराऊंगी। तब तक आप लोग इसे अच्छे से समझेंगे और जो नहीं समझ आता है वो कमेंट करके पूछेंगे। ओके, थैंक यू।